हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो आज रामनवमी का अवसर पर मैं बांस के पास आया हुआ हूँ, बैम्बू के पास, जो मुझे झंडा ले जाना, बजरंगबली का जो झंडा होता है उनको ले जाना है मंदिर में, तो उसी को बांस काटने के लिए ले आया हूँ। तो चलते हैं, बांस काटते हैं। तो हाय दोस्तों, ये मेरे विक्रम भैया हैं जो हमारे गाँव के ही हैं, तो हाय करो मेरे दोस्तों को। तो मुझे बांस काटना है बजरंगबली झंडा के लिए, तो आए हुए हैं। तो विक्रम भैया, ये बांस काट दीजिए, बहुत अच्छा सा, हल्का सा, छोटा सा, पतला देखिए। तो यही बांस काटना है मुझे, देखते हैं। तो दोस्तों, मुझे बांस मिल गया जो मेरे भाई काट रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। नहीं कट रहा ना, तो दोस्तों आखिर मैंने बांस काट ही लिया हूँ और बांस को ले जा रहा हूँ घर की, और अब नहाने की तैयारी करूँगा और मंदिर जाने का। तो बने रहे। तो धीरे धीरे सभी गांव के लोग अब मंदिर की ओर पहुँच रहे हैं झंडा और बकरी के साथ, क्योंकि वहाँ बकरी की पूजा की जाती है। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं, सभी लोग गीत गाते हुए जा रहे हैं। और इस तरह की आस्था परंपरा हमारे गांव में देखने को मिलते हैं, इसलिए हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो दोस्तों, मैं बजरंगबली झंडे के साथ अपने गांव के मंदिर में पहुंच चुका हूं। आ गया तुम, बोलो हेलो। ये मेरा बड़ा बेटा है, और अब मैं, अब चलिए अब मैं दिखाता हूँ गांव की औरतें गीत गाकर, देवी माँ की गीत गाकर मंदिर की ओर प्रवेश कर रहे हैं, जो बहुत ही सुनने में अच्छा लग रहा है। और इस तरह की जो आस्था है, इस तरह की जो परंपरा है, ये हमारे गांव में ही देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब मंदिर के आंगन के अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ, जो सभी बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, ब्राह्मण बैठे हुए हैं, और गांव की औरतें जो गीत गा रही हैं। और ये बजरंगबली जी का मंदिर है, और आप देख सकते हैं। और इसके बगल में जो एक रथ है लाल रंग का, जो आपको दिखाई देगा, यही हनुमान जी का रथ है, जिससे पूरा गांव और मंदिर का परिक्रमा करते हैं। अब हम मंदिर के बाहरी ओर चलते हैं, जहां देखते हैं कि अगल बगल में बहुत सारे और भी मंदिर बनाए गए हैं। बरगद के पेड़ लगे हुए हैं, जिससे लोगों की राह और ठंडक पहुंचता है, क्योंकि लोग यहां पर आके इंतज़ार भी करते हैं, आप देख सकते हैं चारों ओर। तो चलिए आगे की ओर, आगे मंदिर की सामने की ओर से आपको हम फोटो लेकर दिखाते हैं कि कितने का मंदिर बहुत ही बड़ा स्पेस में बनाया गया है, जो बहुत ही लोगों की भीड़ होती है कभी तो इस जगह। तो हाय फ्रेंड्स, तो ये हमारे गांव के नवयुवक लड़के लोग हैं, जो इस पूजा में चार चांद लगाते हैं और पूजा की शोभा को बढ़ाते हैं। तो इनसे मिलिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे लड़के हैं, जो परिक्रमा करते हैं झंडा लोग। आज ये रामनवमी पूजा का प्रोटेक्शन है, जो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटेक्शन है, ये इस जो धनवार क्षेत्र का थाना है, हम लोग का गांव का जो पड़ता है, वहाँ से काफ़ी मात्रा में पुलिस को भेजा गया है प्रोटेक्शन के लिए, कि लड़का लोग कोई झमेला ना करे। तो आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। PCR की गाड़ी लगी हुई है, गांव का रथ जमा होता है, जो काफ़ी मात्रा में भीड़ बनी हुई है। हर गांव के लोग तरह तरह का कला आकर दिखाते हैं, जो सभी को मौका मिलता है कला दिखाने का। देख सकते हैं,
बैठाएंगे। तो दोस्तों, हमारे इस तरह के और नए नए ब्लॉग देखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और अगले वीडियो में मिलते हैं।